हाँ जी दोस्तों, स्वागत है अज की अपनी नवी वीडियो दे विच। ते वीडियो स्टार्ट करन तो पहला उन्हां भरावां नूं सारयां नूं हथ बन के बेनती है जी, जिहड़े वीडियो नूं देखदे ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं करते, कृपा करके चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करया करो ते वीडियो नूं वध तों वध शेयर करया करो। ते अज दी वीडियो दे विच आपां गल करांगे ड्यूस फॉर 80 प्रोफी लाइन एग्रोलैक्स मोटर दे बारे। ते इहदे बारे सारियां तुहानूं डिटेल्स देंगे, कंपनी की इहदे विच फीचर देंदी आपां नूं ते दूजे ट्रैक्टर नॉर्मल कंपनियां नालों इहदे विच की डिफरेंस आउंदे ने। तो फीचर ये इन्ने कने भी मैं कापी जो नोट किए ने भी उंज बंदा याद नहीं रख सकता, इन्ने क सिस्टम ये कंपनी ने लाए हुए ने। तो आओ फिर ट्रैक्टर के बारे तुम दसने, सब तो पहला स्टार्ट करने आप ड्यूज़ फॉर कंपनी तो। ड्यूज़ फॉर जी कंपनी जर्मनी की कंपनी है, तो इन्होंने जोड़ा डीजल इंजन जो बनाया है ना 1927 के पहला डीजल इंजन बनाया से 1952 इन्होंने वर्ल्ड का 4x4 जो मतलब ट्रैक्टर तैयार किया है। तो हूँ आप गल करते हैं ट्रैक्टर की लुक की। लुक जिमें तुम देख सकते हो फ्रंट च ड्यूज़ फॉर की जी उपर बैचिंग आ जाती है, नीचे लोगो आ जाता, दोनों साइड के लाइटा का ऑप्शन मिल जाता जे एक आप एक्सट्रा लाना चाहते हैं। हैडलैम्प जोड़े कंपनी लाते हैं वो दो ही आते हैं, नीचे बटन आ जाता मोनट को ओपन करने वास्ते, नंबर प्लेट की जगह आ जाती है, इतने वेट या बंफर अपने अकॉर्डिंग अपने को अपनी चॉइस है जो भी आप लाना चाहते हैं वो चीज़ आ जाती है। उस तो बाद लैफ्ट हैंड साइड का जोड़ा सिलेंसर एग्जोस्ट जिन्होंने आप कह दें वो आ जाता है, तो वह हीट गार्ड के नाल आ कंपनी ला के दिंदी, नाल ही भी जिमें लगातार चलता पे गर्म हो हथ वगैरह ना बंदे तो सड़ जाए। मैटिंग कंपनी वालों हो ही आती है, तो एक थले स्टैप भी दिता हुआ जिमें ड्राइवर के चढ़न वास्ते। मरगाड़ा की गल करिए जिमें 70 HP तो सिंपल आते हैं सीधे, तो ये गोल आते हैं। तो जिमें कल आप अगर अपनी सलाह बन जाती भी ट्रैक्टर के एसी कैबिन वगैरह लगा दी, तो वो मरगाड़ा की कोई भी मोडिफिकेशन नहीं अपन करनी पैंती, सारी मतलब कंपनी लिए आई जिमें इतने जगह भी दी हुई है एसी कैबिन कसण वास्ते। तो जोड़ा एक फाइबर का गार्ड होर भी ला के दिता हुआ है भी जिमें जोड़ा लोहे वाला सिस्टम है वो थोड़ा छोटा है, तो मिट्टी वगैरह जी उपर ना आए, तो तोड़ पिछे तक कंप्लीट है। तो बैक हिस्से की जो आप गल करते हैं टेल लैंप जोड़े ने फाइबर के उपर ही लगे हुए हैं, नीचे जी फिटिंग है वो लोहे ही है, वैसे सिर्फ फाइबर के बार क्ढे हुए दिसते हैं आपू। तो रात च जिमें आप वाई का कोई भी काम करते हैं पैली चाहे पैली वगैरह वाह रहे इंप्लीमेंट वेखन लाइट आ जाती है। तो ये सारी बैक लुक से बैक फीचर के बारे या हिस्से के बारे थानू अगे वीडियो के जानकारी देवे, तो वीडियो के नाल बने रहा जे। तो जोड़ा टूलबॉक्स है जिमें 70 HP का उपर आता से, यदा जोड़ा राइट हैंड साइड कर दिता काफ़ी ज़्यादा वधिया जगह दे दिता हुआ, तो जिमें आप जिमें पानी वगैरह की बोतल भी जो रखनी है तो वह भी बड़े वधिया तरीके मतलब ये पूरी आ जाएगी एंड सही। तो वह राइट हैंड साइड जो ला के दिता हुआ कंपनी ने, तो राइट हैंड साइड आपां नूं स्टैप वगैरह जिमें उपर चढ़ने लिए नहीं मिलता क्योंकि प्लेटफॉर्म खास ज़्यादा उच्चा नहीं है ट्रैक्टर का, आम ट्रैक्टर नालों थोड़ा जिहा नीवा है यदा, तो इस करके एक साइड से स्टैप आता जे इधरों आप चढ़ना भी चाहिए तो ईजली बंदा चढ़ सकता भी कोई भी दिक्कत नहीं आती ये चढ़न लग्या। तो आओ फिर हुण आपां ट्रैक्टर के इंजन के बारे गल करते हैं, बोनट खोल ली एक तुहानूं अगे अगे दिखाते भी रहांगे। 80 HP इंजन है जी, 4000 CC के चार सिलेंडर के इंजन आता है, टर्बो प्लस इंटरकूलर जिहड़ा इहदा इंजन है, टर्बो इस साइड है जी लैफ्ट हैंड साइड आ जाती है, तो उपर हीट गार्ड भी कंपनी ने उहदे लाया होया जिवें टर्बो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है चलन तो बाद, तो उहदे लई हीट गार्ड लाया। सामने एयर क्लीनर आ जाता, नीचे आ जाती है इहदी बैटरी 100 Ah की, तो इंटरकूलर की फिटिंग नाल रेडिएटर दे ही कीती होई है इन्होंने, तो बैटरी भी काफ़ी मतलब 100 Ah की है, तो छोटा जिहा साइज जिवें एमरोन की बैटरी वो आती है, इस तो ज़्यादा वड्डी शायद ये आप नहीं रख सकते। तो हुण इंजन के सिलेंडर की गल करिए, जिवें तुहानू दस्सिया भी चार सिलेंडर इंजन आता है 4000 CC का, तो पर सिलेंडर 1000 CC ये जी इंजन प्रोवाइड करता है, जिवें आम ट्रैक्टर का हुंदा थोड़ा बहुत फर्क हुंदा, कोई सिलेंडर ज़्यादा सीसी हुंदा कोई घट का हुंदा, पर इहदी जिहड़ी है सारयां दी इकुअल है। उपर अपने जिहड़े डीजल फिल्टर आ जांदे ने, तो जे आप ये डीजल पंप की गल करिए जिमें आम ट्रैक्टर के डीजल पंप लगे होंगे ने, या जिमें हुण कंपनियां CID इंजन कर दियां पईयां ने उहदे जिमें गड्डियां च डायरैक्ट डीजल रेंज नूं आप आखदे ने ओह आउंदी है, पर इहदे विच एवें तां कोई भी सिस्टम नहीं हैगा, इंडिपेंडेंट फ्यूल इजैक्शन जिन्हों आप कह दें वह ये पंप आउंदा है, जिमें हर एक पिस्टम नूं जिमें सिलेंडर नूं आप कह दईए भी अपना वक्रा ही डीजल की जिहड़ी सप्लाई है वह मिल जाती है। तो जे हुण आपां इंजन के कूलिंग सिस्टम की गल करिए, तो वह भी पैरलर गैलरी के नाल आउंदा है, जिमें आम ट्रैक्टर के
एक सिलेंडर जो पानी दूजे च जाएगा तीजे च जाएगा चौथे च जाएगा यदा वो सिस्टम नहीं है हर एक सिलेंडर नू अलग पानी जेड़ा प्रोवाइड होंदा है। इधर यदा गवर्नर लगा होया जी रेस वगैरह नू कंट्रोल करन वाला उपर ये फ्यूज़ वगैरह आ जाते हैं तुसीं सामने देख सकते हो। तो जेड़ा बोनट है यदा वो फाइबर का ही होंदा ते इहदे अंदर ना एक जिवें आपां जिवें ज़्यादा ये हीट ना होवे उहदे लई भी एक सेफ्टी वास्ते दित्ता होया क्योंकि इधर टर्बो लगी हुई है टर्बो काफ़ी ज़्यादा हीट छड्डदा है एग्जोस्ट वाला सिस्टम भी लैफ्ट हैंड साइड से फाइबर जी एक ला के दित्ती हुई जिहड़ी हीट वगैरह नूं रोकदी भी ट्रैक्टर का पेंट वगैरह भी ना खराब होवे। तो हाइड्रोलिक्स लगे होंदे ने जिवें डंडी वगैरह नहीं लानी पैंदी उपर चुक के बटन दबना है तो हाइड्रोलिक्स की हैल्प दे नाल उपर रहेगा लाइटां की फिटिंग कुछ उपर आ जाती है। तो ये जिहड़ा मैं तुहानू इहदे इंजन के बारे आपां गल करने पे सा कूलिंग सिस्टम का भी दसता मैं तुहानू सारा की सिस्टम इहदे विच हुंदा है। तो हुण आपां जे इहदे फ्रंट एक्सल की गल करिए काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल कंपनी ने बनाया है। आ तुसीं राड़ वेख के अंदाजा ला सकते हो इन्नी हैवी राड़ जिहड़ी स्टेयरिंग की मतलब कोई होर कंपनी नहीं ला के दिंदी सिर्फ इस ट्रैक्टर जी आपां वेखी जिवें पहला 70 HP का भी आपां रिव्यू किया 55 का भी किया 4-wheel drive का तो काफ़ी ज़्यादा हैवी बनाया होया है। तो 3 जिहड़े ब्रीदर वाल फ्रंट एक्सल दे विच आपां नूं लगे हुए मिलते हैं। एक जिवें तुसीं आ देख सकते हो एक ए वे एक जिहड़ा हिस्से दा है वो आ लगा होया जिवें हिस्से च गैस बने तो इतों निकल जाए जे हब च गैस बनती है तो इतों निकल जाए यही एक लैफ्ट हैंड साइड भी सेम चीज़ जिहड़ी कंपनी ने लाई हुई है तुसीं देख सकते हो। तो दूजी गल इंडिया का पहला ट्रैक्टर जिवें ला लो पहली मतलब यही कंपनी प्रोवाइड करती है फ्रंट ब्रेक होर किसी कंपनी के फ्रंट ब्रेक अपन नहीं मिलती। तो फ्रंट ब्रेक की जिवें वजह रीज़न की है क्योंकि ये ट्रैक्टर जी कंपनी वालों जी स्पीड है ना यदि ऑन रोड जो आप खाली ट्रैक्टर लैके जाते हैं तो 60+ स्पीड है यदि घट्ट तो घट भी मतलब जो आपू टॉप गेयर पजाने तो 60 की स्पीड तो भी ज़्यादा यह भजद है। तो उस सेफ्टी ध्यान रखते हुए कंपनी ने जी यदि फ्रंट ब्रेक का ऑप्शन भी दिता है। तो वो सेफ्टी मतलब फायदे वे कई ने जिमें पिछे हैवी ट्रेलर जुड़िया हुआ गन्ने वाली ट्राली ला लो या कई डबल ट्राली पा लेंगे धक्का मार दें ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर नहीं खलो पाता तो वो ये जी चीज़ है काफ़ी ज़्यादा वधिया मतलब लाई हुई है। तो जे फ्रंट ब्रेक की आप जो होर गल करिए ना ये नहीं भी अगे कोई तुहानू लैदर मिलने या कुछ भी मिलेगा जिवें हाइड्रोलिक्स ही मिलदियां ने अगे भी आ जी इस चीज़ को तुसीं देख के अंदाजा ला सकते हो जिवें बैक ब्रेक हुंदी है अपनी उवें ही सेम टू सेम इहदे विच जिहड़ा फ्रंट ब्रेक का ऑप्शन मिलता हाइड्रोलिक प्लस डिस्क जिहनू आपां कह दिंदे आ उही ब्रेकां इहदे विच जिहड़ी कंपनी ला के दिंदी है। तो फ्रंट व्हील की जे आपां गल करिए तो फ्रंट इहदा जिहड़ा 4-wheel differential हुंदा जिवें पिछले टायर कट्ठे जोर लाते हैं तो अगले भी कट्ठे ही जोर लाएंगे जो आप इस ट्रैक्टर का डिफरेंशियल दबने हैं तो ये चारे टायर के बराबर जोर लाएंगे। हुण कई भरा जिवें सवाल कर लेंगे ने भी फ्रंट डिफरेंशियल का सिस्टम तो पिछले गेयरबॉक्स ही हुंदा है तो फ्रंट किवें काम करनगे वह फ्रंट नूं काम कराने लई कंपनी ने जिहड़ी एक राड़ भी दित्ती हुई है अलग तो जिवें आप पिछों उन्होंने प्रेस करांगे डिफरेंशियल नूं तो अगे कमांड दे देगी है भी फ्रंट एक्सल नूं भी पता लग जाएगा भी हाँ भी हुण उहदे जिहड़े गेयर ने मतलब जिहड़ियां गरारियां ने उह कट्ठियां ही कम करनगियां तो काफ़ी ज़्यादा वधिया फीचर है। तो फ्रंट ब्रेक की जे आप एक होर गल करनी है तो इत्थे ऑप्शन दिता होया है भी आप यूज़ करनिया ने या नहीं करनिया इस जगह तो ऑन ऑफ हो जांदियां ने नाल फ्रंट ब्रेकां दा एक सिलेंडर भी दिता होया छोटा जिहा कंपनी ने जिहड़ा ला के दिता होया। तो जे आप ब्रेकां की होर गल करिए तो सैल्फ एडजस्टमेंट ये आदियां ने जिवें ला लो भी मतलब उन्होंने नीचों एडजस्ट वगैरह अपन नहीं करना पैंता भी ब्रेक हमेशा लाइफ टाइम ट्रैक्टर की बराबर ही लगेगी चारे टायरों की जो आप यूज़ करने हैं यही भी एक टायर की घट लग गई एक टायर की वध लग गई तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रेक के कंपनी ने जी ला के दी हुई है। जे आप ट्रैक्टर के क्लच पर आ जाइए क्लच की गल करिए तो डबल क्लच इंडिपेंडेंट लीवर के नाल आता जिवें जिहड़े आपां ड्राइव वास्ते तो सिर्फ यही क्लच यूज़ कर सकते हैं जे आपां PTO चलानी है तो वो इंडिपेंडेंट लीवर अलग तो दिता होया मैं जो उपर तुहानू प्लेटफॉर्म दिखावांगा ट्रैक्टर का तो उदो मैं तुहानू दिखा दांगा भी लीवर वगैरह ये किवें दे ने। जे आपां हुण गेयर की गल करिए ट्रैक्टर के तो आओ उपर जाके एक तुहानू मैं दिखा ही दिंदा वा गेयर के बारे सारी डिटेल्स तुहानू दे दिंदा वा जिहड़े गेयर ने ट्रैक्टर के वो शटल शिफ्ट के जिहड़ा ट्रैक्टर आउंदा 15+15 के ट्रैक्टर है कंपनी ने तैयार किया जिवें उपर तुसीं वेख सकते हो 5 स्पीडां तो ये हो गई इधर यदा शटल शिफ्ट का लीवर आ जाता है इधर ये जो हाई लो मीडियम जिन्होंने आप कह दें क्रिपर गेयर यदा जी आ लो हो गया आ जो वी दे हाई चलता है इधर ये जो लिफ्ट के लीवर आ जाते हैं लिफ्ट च एक होर ऑप्शन मिलता जिवें आ फ्लोट का ऑप्शन है ना पत्ती लगी हुई है ये जो तो लीवर ये तो अगे चला जाएगा ना फिर जी लिफ्ट की मतलब पिछली कंट्रोल वाला सिस्टम है ना वो बिल्कुल बंद हो जाता है भी जो कंट्रोलर वाला सिस्टम है वो इस तो पिछे ही करेगा। इधर ये जे डिस्ट्रीब्यूटर के लीवर आ जाते हैं
ਜੇ ਫੋਰ ਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੱਚ ਦਾ ਲੀਵਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ 540 PTO ਇੱਧਰ ਨਿਊਟਰਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੱਧਰ 540 ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ 1000 ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ PTO ਸ਼ਾਫਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਰੇਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਡ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਗਾਉਣੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਈ ਚਾਬੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਡਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਡਲ ਦੱਬ ਕੇ ਖਿੱਚਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 55 HP ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਵਿਊ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਡਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਧਰ RPM ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਸੀਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਛ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੀਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ 4x4 ਅੰਗੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਅੰਗੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 2-wheel ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 4-wheel ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਲ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ EPI ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਰੇਸ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜੈਕ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਡਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੂੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੂੜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿੰਕਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਿਫਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 4000 kg ਲਿਫਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਡਿਊਜ਼ ਫਾਰ 80 HP ਦੀ ਡਬਲ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ 4000 kg ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲ ਬੂਸਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਦੀ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 points ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪ ਲਿੰਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਰੋਡ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪ ਲਿੰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 4-wheel ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4-wheel ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ PTO ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਜ਼ ਫਾਰ ਦੀ 73 HP PTO ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ PTO 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। PTO ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ PTO ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਈਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਕੁੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PTO 'ਚ ਵਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਲਿਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 16-9-30 ਦੇ ਬੈਕ ਟਾਇਰ ਨੇ, 11-2-24 ਦੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 70 liter ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਇਹਨੂੰ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਡਿਊਜ਼ ਫਾਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਮੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਰੱਖ
इतने आप रखता है एक ट्रैक्टर आप बंद करके भी तुम स्टार्ट करके दिखा दें दोबारा तो पच्ची सौ आर पी एम जेडे मीटर के इस टाइम आप जो किए हुए हैं तो फिर भी तुम सामने पानी देख सकते हो भी बिल्कुल ही वाइब्रेशन ट्रैक्टर के है ही नहीं गी बिल्कुल ही खत्म है। जिवें तुसीं वेख ही लिया मैं दस ही दिता भी पानी का गिलास भी नहीं डुला बिल्कुल वाइब्रेशन ट्रैक्टर के है ही नहीं आपां इहदे बोनट ते रखता ही पानी का गिलास ते आओ फिर हुण तुहानूं थोड़ा जिहा चला के भी विखावांगे ते इहदी फोर व्हील दी जिहड़ी ब्रेक है वह भी दिखाने आ भी किवें काम करती है। उत्थे ही जिथे आपां ट्रैक्टर की ब्रेक मार देंदे आ ना बिल्कुल उत्थे ही जाम हो जांदा ट्रैक्टर ते फ्रंट जब आप ब्रेक मारी टायर जाम नहीं होंगे बैक से जो फ्रंट टायर है जाम होएगा देख सकते हो बिल्कुल मतलब चारे टायर की इकट्ठी ब्रेक लगती है तो काफ़ी ज़्यादा वधिया सेफ्टी फीचर है जिवें ट्रैक्टर का बिल्कुल उत्थे ही जाम हो जाता जिथे आप ब्रेक मार दें। हाँ जी दोस्तों तो ट्रैक्टर को ड्राइव करके देखते हैं भी ड्राइविंग का किवें एक्सपीरियंस है। स्टेयरिंग की गल करिए ना स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है ट्रैक्टर का जिम्मे ला लो तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट भी है हैंडलिंग भी बहुत वधिया है तो जिम्मे चलाने के भी काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है। गेयर की शिफ्टिंग का बिल्कुल भी पता नहीं लगता हूँ जिमें तीजे गेयर ट्रैक्टर से तो मैं इनू फिफ्थ च ट्रांसफर मतलब ला लो भी शिफ्ट किया तो बड़े आराम गेयर शिफ्ट कर लिया इन्हें तो बड़ी सोहनी चलाई है ट्रैक्टर की। हाँ जी टर्निंग रेडियस की थोड़ी जी गल करिए ना जिम्मे ला लो टर्निंग रेडियस आम ट्रैक्टर नालों हल्का या मतलब यदा घट मिलता अपन तुम देख सकते हो कि जिमें थोड़ी जी जगह तो ट्रैक्टर टर्न नहीं आप कर सकते वो अपन एक अद्धी जरा बैक करना पै जाता है ये थोड़ा जहा नैगेटिव पॉइंट है बस यदा बाकी तो सारा बहुत। हाँ जी दोस्तों तो यह अज का सारा रिव्यू जो मैं तुम्हें ड्यूज़ फॉर 80 HP के बारे तुम्हें अच्छ मैं दिता है वीडियो के सारे वो फीचर वगैरह देख लिए होने तो काफ़ी ज़्यादा वधिया ट्रैक्टर जिमें ला लो वीडियो वेख के तुम्हें किमें लगा ट्रैक्टर कमेंट करके जरूर दस जो वीडियो किमें लगी चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो वीडियो में शेयर कर दो एवं होर वीडियो देखने ली तो एजेंसी का एड्रैस SS कोरपोरेशन मेन हाईवे जो करनाला नमस्ते चौंक से एजेंसी हैगी ड्यूज़ फॉर द ट्रैक्टर का कोई भी स्पेयर पार्ट अगर किसी ने लैना हो इन्हां कोल सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल ने किसी भी टाइम बंदा आके ले जा सकता है तो सर्विस भी फुल देंदे ने ट्रैक्टर की कोई मतलब एवें कोई दिक्कत नहीं भी ट्रैक्टर जो आप परचेज़ कर लिया तो उस तो बाद आपां नूं सर्विस नहीं मिलती सर्विस भी पूरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी ये अज की वीडियो तो जुड़े रहे जी चैनल के नाल ठीक है जी मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो तद तक लिए सत श्री अकाल। ठीक है जी।